आजाद भारत में पहली बार किसी महिला अपराधी को फांसी होने जा रही है। मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश के इकलौते महिला फांसी घर में अमरोहा की शबनम को फांसी पर लटकाया जाएगा। प्यार में अंधी शबनम ने अप्रैल 2008 में प्रेमी के साथ मिलकर अपने 7 परिजनों की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। शबनम के इस खूनी खेल से पूरा देश दहल गया था। अमरोहा बावनखेड़ी कांड की दोषी शबनम की फांसी की चर्चाओं के बीच अब उसके बेटे ताज ने राष्ट्रपति से मां शबनम को माफ करने की गुहार लगाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शबनम और सलीम के बेटे ताज ने एक हिंदी अखबार से बातचीत के दौरान बताया कि उसने राष्ट्रपति से अपनी मां को माफ करने की मांग की है। प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 सदस्यों का कत्ल करने वाली शबनम की हैवानियत के बावजूद बुलंदशहर के एक दंपति ने इंसानियत दिखाते हुए उस मासूम को अपनाया जिसे कोई गोद लेना तो दूर देखना भी नहीं चाहता था। आपको बता दें 13 दिसंबर साल 2008 को शबनम ने मुरादाबाद की जेल में एक बेटे को जन्म दिया था। हालांकि शबनम और सलीम की शादी नहीं हुई थी, वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। जेल में पैदा हुए शबनम के इस बेटे ताज को बुलंदशहर के उस्मान सैफी और उनकी पत्नी ने अपनाया। ताज की परवरिश ये दंपति ही करता है। शबनम का बेटा अब 12 साल का हो चुका है और वो क्लास 6 में पढ़ता है। बच्चा दंपति को छोटी मम्मी और पापा कहकर बुलाता है। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक उस्मान सैफी शबनम के ही कॉलेज में उनके जूनियर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस्मान सैफी ने बताया था कि कॉलेज के दिनों में शबनम ने उनकी बहुत मदद की थी, साथ ही कई बार शबनम ने उनकी कॉलेज की फीस भी भरी थी। शबनम का बेटा ताज इस बात को याद करते हुए रो पड़ता है कि कैसे अपनी माँ से मिलने के लिए वो रामपुर जेल जाता था। ताज का कहना है कि उसकी माँ उसे बेहद प्यार करती है, वो उसको गले लगाती है और आंचल में छिपा लेती है, उसे पैसे भी देती है। ताज ने ये भी कहा कि उसने भारत के पीएम और राष्ट्रपति से अपनी माँ के गुनाहों की सजा को माफ करने की अपील की है ताकि उसके सिर से माँ का साया उठ न पाए। हाल ही में शबनम ने जब अपने बेटे ताज से मुलाकात की थी तब उसे समझाया था कि मन से पढ़ाई करना, जब दिल लगाकर पढ़ाई करोगे तभी आगे बढ़ोगे। वहीं ताज की परवरिश करने वाले दंपति कहते हैं कि तारीख तय होने पर वो बच्चे को उसकी माँ से अंतिम बार मिलवाने जरूर ले जाएंगे। शबनम का बेटा 6 साल 7 महीने और 21 दिन माँ के साथ जेल में रहा था। बाल कल्याण समिति ने बच्चे की अच्छी परवरिश को लेकर 30 जुलाई साल 2015 को उसे बुलंदशहर के इस दंपति को सौंप दिया था। तब से बच्चा परिवार का हिस्सा है। वही उस्मान सैफी बताते हैं कि ताज बुलंदशहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और वो जहाँ तक पढ़ना चाहे उसकी पढ़ाई और परवरिश की सारी व्यवस्था है। वो ये भी कहते हैं कि ताज की माँ के पास काफी प्रॉपर्टी है। वो शबनम से कह चुके हैं कि वो इस प्रॉपर्टी को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसी किसी अच्छे काम के लिए दान कर दे। वही आपको बता दे अप्रैल साल 2008 को अमरोहा के गांव की रहने वाली शबनम ने अपने प्रेमी सलीम की मदद से अपने प्रेम संबंधों में रोड़ा ना बनने की वजह से अपने ही माता पिता, 2 भाई, मौसी की लड़की और 10 साल के मासूम भतीजे को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया था। निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक शबनम के इस अपराध पर उसे फांसी की सजा सुनाई गई। राष्ट्रपति ने भी शबनम की सजा को बरकरार रखा और दया याचिका खारिज कर दी। इसी के साथ अब शबनम को फांसी देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मथुरा जेल में शबनम को फांसी दी जाएगी। ये आजाद भारत में किसी महिला को पहली फांसी होगी। जेल प्रशासन ने रस्सी बनाने का ऑर्डर और शबनम के वजन के बराबर पत्थर को लटकाने की रिहर्सल शुरू कर दी है। यहां तक कि मेरठ का जल्लाद पवन कई बार मथुरा जिले में फांसी की तैयारियों का जायजा ले चुका है। हालांकि अभी जेल प्रशासन को शबनम के डेथ वारंट का इंतजार है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई भी सुझाव या प्रश्न हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।